वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सिजवान चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए गार्लिक, कॉर्न स्टार्च और यहाँ पर हमने ले लिया है रेड चिली। अब इसे हम बॉईल करने वाले हैं। पहले हमें इसे काट कर इसका ये जो बीज है निकाल देना है। जितना हो सके आप इसे निकाल दीजिए। इस तरीके से देख सकते हैं मैंने यहाँ पर निकाल कर रखा है। इसे हमें इस तरीके से आप यहाँ से कट करके और यहाँ बीज निकाल देंगे। हो सके वो निकल जाए ना, अच्छा है। इस तरीके से देख सकते हैं। इसे हमें फेंकना नहीं है, आप अपने घर के गमलों में डाल दीजिए। देखिए मिर्ची के झाड़ आ जाएंगे। अब ये सारी मिर्ची जो हमने साफ करके रखी है इसमें डाल देंगे और इसे हमें तब तक बॉईल करना है जब तक ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। जब तक हमारी मिर्ची तैयार हो रही है तब तक हम इसे चॉप कर लेते हैं। आप चाहें तो नाइफ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चॉपर की मदद से करूँगी। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप चाहें तो सिजवान सॉस में अनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा हमें लहसुन चाहिए, देख सकते हैं। यहाँ हमारी चिली रेडी है, देख सकते हैं। और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे तब तक हम इसे मिक्सर में निकाल लेते हैं। इसे हमें ग्राइंड करना है, हमें इसमें पानी नहीं डालना है। जितना पानी उतना लस हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मिक्सर में नहीं पीस रहा है तो आप यही कढ़ाई का ही पानी इसमें 2 स्पून डाल सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज निकाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ग्राइंड कर ले रहे हैं। सिजवान चटनी बनाने के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पे हमने 4 स्पून ऑलिव ऑयल लिया है। चाहे तो नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हमें गरम करना है। अब इसमें डालेंगे हींग, ये ऑप्शनल है, और इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऑप्शनल है। आपको नहीं डालना है तो आप वो नहीं डालें। अब हमारे यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम ये चॉप किया हुआ लहसुन। जब लहसुन हल्का लाल हो जाए आप ऐसे ही इसमें चिली पेस्ट जो आपने बना के रखा है रेड वाला इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं हमें इसमें पानी ज़रा भी नहीं डालना। को डालते हुए गैस थोड़ा कम कर दूं। मैं जैसे कि कहा आपको कॉर्नफ्लावर आपको अगर इसकी ग्रेवी बनानी है तो डालें, नहीं तो दैट इज ऑप्शनल। इसमें सॉल्ट डालें, नमक स्वाद अनुसार डालें। हम डालेंगे 1 स्पून विनेगर। यहाँ पर मैंने रेड विनेगर लिया, आप व्हाइट विनेगर भी ले सकते हैं। टमाटो केचप डालेंगे, दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारा सिजवान सॉस रेडी है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऑयल छूटने लगा है। अब इसे हम करीबन 10 से 15 दिन फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। अब इसे हम बाउल में सर्व करेंगे।
घर पे बनाई है, फ्रिज में स्टोर कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। बाजार का सॉस भूल जाएंगे आप। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, जैसे दिखने में अच्छा दिख रहा है वैसे खाने में भी बहुत टेस्टी है। और इसका कलर एकदम रेड है, ये लाइट के कारण है इस कलर का दिख रहा है। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।